मेरी बात हुई, हाँ ट्रीटमेंट है मैडम, ठीक हो जाएंगे। तो वो ट्रीटमेंट मैंने लगाया, कॉस्टली था काफ़ी। बाहर खड़े होकर खा रहे थे, बाहर की बाहर गायब हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस कंप्लेंट जाके थाने करके आऊँ या फिर क्या हो सकता है मैडम? कुछ नंबर वगैरह एड्रेस? हाँ मोबाइल नंबर है, उन्होंने मोबाइल नंबर ऑफ कर लिया, बल्कि मेरी उनकी चैट हो रखी है, मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई है, उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगी थी, सलून की लोकेशन दी गई है। हे गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपको वीडियो दिख रही है, ये लेडीज़ है, इसके हस्बैंड है, ये बच्चे, वीडियो दिख रही है, चलती रहेगी। ये मेरे पास आए थे जले हुए बाल लेके, इनका कहना है कि ये बिजनौर से आए थे, बिजनौर से द्वारका में किसी लेडीज़ के पास आए जिनके पास इनको हेयर एक्सटेंशन कराना था। तो हेयर एक्सटेंशन से पहले उन्होंने बोल दिया कि स्मूदनिंग होगी, तो स्मूदनिंग में इनके बाल जल गए, फिर ये वापस गए या जो भी हुआ, फिर मेरे से बुकिंग लेके मेरे पास आए, इन्होंने बताया कि फिर मैंने बोला कि बाल जला हुआ है तो हम इसके अंदर मॉइस्चर थेरेपी करेंगे। हम मॉइस्चर थेरेपी कर रहे थे, करते करते बाल, जब इन्होंने बार बार पूछा कि प्रोसेस हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया, कितना रह गया कितना, जब मैंने बोला कि बस हो गया, अब खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप लगाते ही इनको एकदम से बोला कि मुझे भूख लग रही है। मैंने बोला चलो कुछ मंगा देता हूँ, मैम सैंडविच वगैरह बताया क्या खाएंगे, कह रहे हम लाए हैं खाना, गाड़ी में रखा, हम गाड़ी में खा लेंगे। मैं कहा घर सलून के बाहर गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी में बैठे, पहले उनके हस्बैंड गए, फिर वो मैडम गई, फिर उनका एक लड़का था बेबी जो आपको दिख रहा है वीडियो में, वो गया, फिर इनकी छोटी सी डॉटर की कटिंग हो रही थी, वो कटिंग करवा के वो गई, और बाहर की बार भाग गए। अब मुझे, अब इस स्टेप से भागे तो मुझे नहीं लगता किसी के पास ये आए भी होंगे या नहीं आए होंगे दिल्ली में किसी लेडीज पर, जो भी ये नाम ले रहे हैं, कि मेरे को वो भी फेक ही लग रहा है, बट अब जो है सो ये है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें, सलून इंडस्ट्री को बिल्कुल सेफ रखें। तो ये सलून इंडस्ट्री में ये वीडियो जरूर वायरल करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, मैं चाह रहा हूँ। इनकी मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, आपको सब दिख रहा है, इनके नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हैंड पेंट क्लाइंट के नंबर, इनके फोटोज आपको दिख गए हैं, कोई फेक नहीं है, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन आप लोग बच के रहिए, मेरा तो अच्छा खासा अमाउंट गया है, बट इट्स ओके, बट आगे के लिए अवेयरनेस हो। थैंक यू गाइस।